मुझे याद है जब मैं 18-19 साल का था रादर 2008 के अंदर, तो उस दौरान रिसेशन आया था, पूरी मार्केट ही कोलैप्स हो गई थी। तो वो एक फेज था, उस फेज से हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने SMS मार्केटिंग का बिज़नेस चालू किया। हमने बहुत सारे रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर लोगों को बताया कि भाई कि SMS मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप। ये तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर इनिशियल फेजेस के अंदर स्टार्ट करने वाले हम लोग ही थे ये। उसके बाद वी स्टार्टेड अ ईमेल मार्केटिंग बिजनेस, जिसके अंदर हम लोगों ने बैंकिंग के साथ बहुत काम किया, या फिर ई कॉमर्स है जिनको यू नो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट शोकेस करने हैं। तो ऐसे जर्नी रही जहाँ पे हम उनको समझाते थे, कंसल्ट करते थे कि आपको कैसे अपने बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट करना और बड़ा बनाना है आपको। फिर सन 2015 के अंदर वी स्टार्टेड ई कॉमर्स, फिर उसके अंदर कुछ रेगुलेशन इश्यूज थे, फिर वो हमें बंद करना पड़ा। हमने 2020 के अंदर कोविड टाइम्स के अंदर बिगशिप की शुरुआत करी है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं शिपिंग के अंदर, या फिर जो लोग यू नो स्केल नहीं कर पाते अपना बिजनेस ड्यू टू यू नो लैक ऑफ लॉजिस्टिक नॉलेज, प्रॉब्लम ये है कि भाई आपकी टाइम पे शिपमेंट पिकअप नहीं हो रही, डिलीवर नहीं हो रही, राइट। उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो उसी ऑब्जेक्टिव से हम लोगों ने बिगशिप की शुरुआत करी है।